दोस्तों, अगर आप 2024 की सबसे परफेक्ट थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो आज का ये काउंटडाउन आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि 2024 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज मानी जाती है। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 5 पर है बैड कॉप। कहानी की शुरुआत होती है गुलशन से, जो कि लोगों को ठगने में माहिर है। एक दिन वो एक ऐसे इंसान को ठगता है जिसे ठगने के बाद वो होटल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से ही वो एक ऐसे इंसान को देखता है जो कि दूसरे इंसान को मार रहा होता है। वो उस अजनबी इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से ही उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मरने वाले के हाथ में गुलशन के कुछ टिश्यूज रह जाते हैं और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। मरने वाले का दोस्त जो कि सीबीआई ऑफिसर है, वो किसी भी तरह से हत्याकारी को ढूंढ कर निकालना चाहता है और हत्याकारी गुलशन निकलता है, और वो गुलशन को किस तरह ढूंढ के निकालता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देख रहे होते हैं गुलशन, जिसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है, अचानक से ही एक शूट आउट में उसके भाई की मौत हो जाती है और गुलशन अपने भाई की जगह ले लेता है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि असल में उसके भाई का कातिल कौन है। और लास्ट तक ये सभी चीजों को किस तरह रिवील की जाती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टोरी की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से की गई है, लेकिन ये सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 6.6। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है मर्डर इन महीम। कहानी की शुरुआत होती है महीम रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस लड़के की डेड बॉडी के केस को सॉल्व करना चाहती है और पुलिस लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की स्टोरी आपको यूं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसकी स्टोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब बन जाती है जब कातिल हर एक मर्डर करने के बाद एक छोटी सी नोट छोड़कर चला जाता है जिसमें दूसरे मरने वाले का नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस फिर भी इस कातिल तक पहुंच नहीं पा रही होती है। और लास्ट तक पुलिस इस कातिल तक किस तरह पहुंचती है ये तो आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जाने तो ठीक है। सीरीज के प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.1। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द ब्रोकन न्यूज सीजन 2। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे न्यूज चैनल से जो कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन दूसरी ही तरफ एक ऐसे न्यूज चैनल है जो कि इस खराब न्यूज चैनल को किसी भी तरह से डुबा देना चाहती है। और कंप्लीट सीरीज में इन्हीं दो न्यूज चैनल के फाइट्स को दिखाने की कोशिश की गई है। सीधी तौर पर अगर कहा जाए तो ये सीरीज एक्चुअल में सीजन 1 में कुछ चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीजों को सीजन 2 में दिखाने की कोशिश की गई है। इस सीरीज को देखने से पहले एटलीस्ट आप सीजन 1 जरूर देख लें। यूं तो ये सीरीज स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लग सकती है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग आपको सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि लास्ट के 2 उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिससे आपका इस सीरीज के प्रति इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाला होगा। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, लेकिन एक आध एपिसोड को अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो भी इस सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इस सीरीज के एपिसोड 1 और 2 और लास्ट के 7 और 8 एपिसोड आप जरूर देखिए, क्योंकि इन्हीं 4 एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट छिपी हुई है इस सीरीज की। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.6। सीरीज C5 पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है इंस्पेक्टर ऋषि। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जंगल से जहां पर एक डेड बॉडी पाई जाती है जो कि एक मकड़ी के जाले से लिपटी हुई रहती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इंस्पेक्टर ऋषि को इस केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है और इंस्पेक्टर ऋषि इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। सीरीज की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इस सीरीज में एक ऐसा भी पिशाच है जो कि जंगल में रहने वाले लोगों को मार रहा होता है, लेकिन असल में इस पिशाच की कहानी में कितनी ज्यादा सच्चाई है यही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती है इस पूरे सीरीज में। ये सीरीज आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत भूतिया भी लग सकती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी ही है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.7। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, लेकिन दोस्तों इसके एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती एकदम ही ना करें, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसे Amazon Prime Video पर अवेलेबल की गई है। नंबर 1 पर है गांठ। दोस्तों, अगर आप कोई खतरनाक सी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि मरी हुई पाई जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है बल्कि उन्हें किसी ने मार दिया है। और लास्ट तक इन दोनों की बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी मिस्ट्री एंजॉय करने वाले होंगे। इस सीरीज की स्टोरी हो सकता
लगता है कि द बरारी के सोराक्सी सच से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अनोखी है क्योंकि इसके लास्ट के एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि हर एक एपिसोड में कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर रिवील होगी। सीरीज हो सके तो आप अपने बच्चों से दूर ही रखें तो ठीक है क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने बच्चों को दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे जियो सिनेमा पर अवेलेबल की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।